इस मोमेंट पे तो यार दिल धक धक हो रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लाइफ राजी में है आपका स्वागत। आज हम कुछ करने जा रहे हैं एडवेंचर। आपको रास्ता देख के लग ही रहा होगा एडवेंचरस रास्ता है, लेकिन हमारी आज एडवेंचर जमीन पे नहीं हवा में होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं फ्लाई इंडिया एडवेंचर सोना, जहाँ पे होती है पैरामोटरिंग। उसे भी पैरामोटरिंग को ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पैराग्लाइडिंग, मोटर वाली गाड़ी की हालत देखो। और हम पहुंच गए हैं फ्लाई इंडिया एडवेंचर, और ये पूरा एडवेंचर प्लेस ही है। तो ये है जो मशीन हमें ऊपर लेके जाएगी। अभी तो क्या बोलते हैं, अभी खुलेगी खुलेगी सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे निकिता कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच कर? कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच कर? एडवेंचरस लगा रास्ता रास्ता थोड़ा एडवेंचरस था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये वाली जो मिट्टी की सड़क थी ना, अभी यहाँ पे कुछ रेलवे की लाइन वगैरह लेकर गए थे ट्रक्स वगैरह, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से सड़क बैठ गई और बारिश वारिश हो रही थी 2-3 दिन से, तो इसलिए। लेकिन ग्रीनरी ग्रीनरी है, शांति है ना, अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ पे पूरा वेस्टर्न रिजोर्ट है। हाँ हाँ, गाँव टाइप एरिया ना, एक बार आओ देखें अंदर है क्या। तो यहाँ पे जाके अंदर देख रहे हैं कि अंदर क्या इन्होंने बना रखा है। ओके, तो ये पूरा रिजोर्ट ही है एक तरीके से। यहाँ पे एडवेंचर वगैरह भी कुछ है चीजें भैया ने बना रखी हैं। हाँ, और वहाँ स्विमिंग पूल है, स्टे है, टेंट भी है, कैंपिंग भी है, सब चीजें हैं। 11 साल, और 11 साल से ये भी ऑपरेशनल है। Okay. पहले वो स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने कैंपिंग स्टार्ट किया था, तो उसके बाद इसको रिजॉर्ट कन्वर्ट कर रखा है। लोग सर्दियों में बहुत अच्छा क्राउड रहता है, कैंपिंग वाला सेक्शन बहुत, कैंपिंग, बॉनफायर, खाना पीना प्रॉपर, पूल बाड़ी जगह से चलता है। पहले हट्स थी हमारी वहाँ ना। ओके, तो पहले विलेज थीम पे था, बाद में इसको फार्म हाउस थीम पे ले आए हम लोग। और सर्दियों से ज्यादा बेस्ट चीज है, जिसमें आप लोग आराम से गेट टुगेदर करो वाला। आज से 15-20 साल पहले जीप के पीछे कुछ होता था ना कॉन्सेप्ट, दैट्स कॉल्ड पैरासेल। पैरासेलिंग, ओके, पैरासेल तो मशीन से, वो गाड़ी से खींचते हैं, वो टाइप होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो आजकल उसको पैरासेल ग्राउंड पे कम लोग करते हैं, वो बोट वाला। हाँ, जैसे गोवा वगैरह साइड होता है, पैरासेलिंग होती है। ओके ओके, आप इस फील्ड में कैसे आए? बेसिकली आई एम अ टूरिज्म ग्रेजुएट, तो आई डिड माय ग्रेजुएशन ट्रैवल टूर मैनेजमेंट, तो उसी लाइन से मैं एडवेंचर लाइन में आया, और एडवेंचर से मैं पैरामोटर तक पहुंचा, और कॉर्पोरेट जॉब की अराउंड 7-8 ईयर्स आफ्टर डूइंग माय एमबीए एचआर मार्केटिंग। और आई थॉट कि हम लोग जाट लोग हैं तो हमें बॉस पसंद नहीं है ना, तो आई थॉट कि अपना कुछ करना है, खुद बॉस बन जाए। तो अपनी स्किल थी इस पे ग्राउंड स्टार्ट किया, तो इट इज माय ऑनलाइन, तो पूरा बेस था हमारा, तो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और लोगों को सर्विस से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए कुछ मजा, लोग आते हैं, जिंदगी का मजा ही लगा। सही कह रहे हो। तो ये अपना एडवेंचर होने वाला है शुरू। ये हम जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन के साथ, ऐसा वैसा नहीं आने वाला हमारा। और निकिता वहाँ नीचे से ग्राउंड से रिकॉर्ड करेगी, और मैं ऊपर से। इसके लिए रनवे वैसे कितना चाहिए होता है, कितना दूर तक? विंड के हिसाब से होता है, बाकी 50 फीट में टेक ऑफ हो सकता है, और 200 फीट भी जा सकता है। ओके, विंड की डेंसिटी और कस्टमर वेट और विंड कंडीशंस। ओके, एनी इज ऑन हिज वे टू फ्लाई दिस मोटर। नहीं, बदमाशी नहीं। तो ये सनी जा रहे हैं, ये देखो इनकी मोटर हो रही है स्टार्ट। इस मोमेंट पे तो यार दिल धक धक हो रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे ही हम हवा में पहुंचे तो यार एक अलग सा सुकून था, ऐसे लग रहा था कि हम वो सपना सच कर रहे हैं जो बचपन में देखा करते थे, कि बर्ड्स के साथ उड़ने का, बर्ड्स की तरह उड़ने का। अलग ही सुकून था हवा में।
और खुशी में मैंने चिल्लाया भी। अलग ही मजा आ रहा है यहाँ पर तो। इस हवा में जो सुकून की खुशी थी वो सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरे जो पायलट थे उनकी भी थी। जब मैंने सनी को नीचे से जाते हुए देखा तब तो वो हाथी जैसे लग रहे थे, जैसे ही वो ऊपर पहुंचे धीरे धीरे तो वो चींटी जैसे लग रहे थे। चलो कोई नहीं, मजाक अपनी जगह। वैसे सनी तो बहुत ही खुश लग रहे थे, जो कि अच्छी बात है। हवा में थोड़ी देर ही कंफर्टेबल होने के बाद हमारे पायलट ने थोड़ी फ्लाइट को इधर किया उधर किया, उसमें एक अलग ही मज़ा था। फिर हम लोग फ्लाई कर रहे थे गुड़गांव के वन ऑफ द बेस्ट रिजोर्ट जो कि है सोना में वेस्टिन। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि इस फ्लाइट में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पायलट भी हैं। और एक मोमेंट ऐसा आया, रोमांच इतना बढ़ गया कि हम दोनों ने मिलकर चिल्लाया। ज़रा उन बर्ड्स को देखो जो नीचे उड़ रहे हैं यार, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा मैंने अपने मन में सोचा। और बहुत मज़ा आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि आसमान में ही उड़ता फिरूं। अब मज़ा आ रहा है, आवाज़ तो आ नहीं रही होगी लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। फिर क्या, फिर ये रोमांच अपने अंत की तरफ आने लगा, हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। और बस यही था कि यार थोड़ी देर और उड़ते, थोड़ी देर उड़ते और उड़ते। सनी वापस आ रहे हैं, पूरा वहाँ से यू टर्न लेके आ रहे हैं। सनी वहाँ से वेव कर रहे हैं, विच इज नॉट टू मच विजिबल। मजेदार एडवेंचरस एड्रेनलिन रश। अच्छा, वेट के हिसाब से भी वो होता है, तो वेट कम हो जाता है तो रनवे का साइज ज्यादा होता है। रनवे का साइज शॉर्ट भी कम हो जाएगा, जल्दी टेक ऑफ हो जाएगा। अच्छा, जल्दी टेक ऑफ हो जाएगा। ओके, वेट कम तो सही बात है, फ्लाइट टाइम जल्दी। कैसा लग रहा था? एडवेंचरस लग रहा है, फील हो रहा है, मजा आने वाला है। अलग ही रिलैक्स। देखो ज्यादा रिकॉर्डिंग मत करना, वहां जाके बैठ जाना, मतलब इंजॉय करना। अच्छा लग रहा था तो इसको सेट कर लिया। अब निकिता जाएगी ऊपर। यहाँ रखो, ठीक है। चप्पल में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, we are all set to go now. Yay! सनी मेरी फोटो भी ले देना। नहीं, मेरी फोटो लेता पहले ले लो फोटो। ऐसे करना। ठीक है। Bye. अलग ही एडवेंचर जाता है, ऊपर जाके मजा आता है। एक बारी तो ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए एक बारी तो ये। सही है, मैं हट जाऊंगा नहीं तो। अच्छा, यहाँ से ही होगी। वहाँ पे एक होटल है,
हाँ वेस्टर्न प्राइवेट स्विमिंग पूल है इनका भी तो है इनके प्राइवेट अच्छा उनके प्राइवेट भी रूम के बाहर जो मालदीव्स वाला है ना ओके ओके हर रूम के बाहर एक छोटा स्विमिंग पूल वो मस्त है वहाँ रहेंगे चलो सही और कैसा लगा आपको मजा आ गया ना सही डिसीजन था ना वैसे मैं एक हाथ खोलने को बोलती एक हाथ तो ठीक रहता बट थोड़ा सा ऐसे बड़ा मजा आया थैंक यू भैया बहुत ही मज़ेदार एडवेंचरस रहा अब जैसे बहुत आपके जो पैकेजेस हैं जैसे हमने तो मिड वाला किया अगर हमें देर तक वाला करना हो हायर वाले पे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपकी हाइट बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ेगी और ऊपर वाले पैकेज में हम आपको कंट्रोल भी दे देते हैं अच्छा हम आई डू द टेक ऑफ एंड लैंडिंग बट इन द मिड एयर आई विल गिव द कंट्रोल एंड यू फील लाइक दैट यू आर अ पायलट एंड यू विल हैव द कंप्लीट कंट्रोल दैट्स वेरी इजी यू कैन एंजॉय क्वाइट फॉर दैट ओके नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू डू दैट किलोमीटर तक के लिए भी आपने डिफाइन कर रखा हो ओके जब आपने ये लोकेशन चूज करी थी इसके हिसाब से चूज करी थी लोकेशन मेरी अपनी थी और सब लकीली सब चीज ठीक हो गई बिकॉज लाइक यहाँ पे कोई बिजली का तार नहीं है इतना बड़ा कोई प्लांट नहीं है हाँ, नहीं है तो जितना भी हम लोग फ्लाई करते हैं हाँ, सेफ ग्लाइड रेंज में करते हैं इनकेस ऑफ इंजन फेलियर तो एक मैक्सिमम थिंग्स बट कैन बी हैपन है ना तो उसमें हम लोग ग्लाइडिंग करके ग्राउंड पे वापस आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पीछे वो तो है इस पे आपने वैसे यहाँ से मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक करी है मैं जो मैक्सिमम फ्लाइट कर सकूँ इससे 165 किलोमीटर का मेरा मैक्सिमम है ओह सिंगल टेक ऑफ के बाद लैंडिंग है और हाइट मेरी 11,000 प्लस रही है मैक्सिमम 11,300 के आसपास ओके हाँ 11,000 पे तो अभी मतलब सांस लेने में दिक्कत नहीं होती अभी नहीं होती हाँ। लेकिन हाँ थोड़ा ब्रीदिंग हल्का सी सुहाने लगता है इंजन को कोई ऑक्सीजन चाहिए होता है हाँ वो भी तो हवा खींचता है हाँ तो वो थोड़ा सी सुहाने लगता है अभी जैसे हम कितनी हाइट पे गए थे अभी तो हम बहुत कम हाइट पे 1200 तो अभी हम भैया से बात कर रहे थे कि ये पूरा इक्विपमेंट इन्होंने इटली से ही लाया और इटली में ही आपने सीखा था एक तरीके से हाँ एक तरीके से मतलब लेकिन स्टार्टिंग तो हिमाचल से ही कर लिया था अच्छा। लेकिन हाँ चीज़ों को प्रॉपरली प्रोफेशनली ट्रेंड होकर इन लोगों से सीखा इटली से और वहीं से अपना ये इम्पोर्ट किया और उसके बाद इसने यहाँ स्टार्ट किया अच्छा था मतलब अगर किसी ने सीखना हो यहीं पर ही तो आप सिखा भी सकते हैं ओके तो उसका वैसे चार्ज कितने से शुरू हो जाता है लमसम स्टार्टिंग में 2.5 लाख से लेके चलो 4 लाख तक है अच्छा पूरा पैकेज और ये विद मील है विदाउट मील है कितना टाइम लग जाता है इसमें 3-4 वीक मैक्स 3-4 वीक डिपेंड्स ऑन स्किल्स कुछ लोग ऐसे ट्रेनी भी आए हैं जो 10 दिन में पायलट ट्रेंड होकर चले गए ओके अब जैसे आपको ये लाइसेंस मिल रखा है इसका तो जो आप ट्रेन करेंगे उन्हें भी लाइसेंस मिलेगा या उनको एग्जाम देना होता है पहले एक एग्जाम होता है इनका एफएआई का अच्छा क्योंकि जैसे इस तरह के स्पोर्ट्स होता है जैसे क्रिकेट क्रिकेट जैसे ग्राउंड स्पोर्ट्स तो ये एयर स्पोर्ट्स में आता है अच्छा तो जैसे क्रिकेट में हमारा आईसीसी है गवर्निंग बॉडी जो पूरा उसको कंट्रोल कर दी क्रिकेट को तो यहाँ पे एफएआई है जो पूरा वर्ल्ड का एयर स्पोर्ट्स जो गवर्न करता है अच्छा और जैसे हमारे यहाँ बीसीसीआई है तो हमारे यहाँ पे एसीआई था लेकिन अभी डीजीसीआई के अंडर आ गया ओके लास्ट 3-4 मंथ से मौका के अंडर ये है तो अब जो भी लाइसेंस वगैरह सब इश्यू होंगे तो डीजीसीए के उसमें ही चलेंगे सारे ओके तो अब कंट्रोलिंग अच्छी खासी इसमें हो गई है ओके अभी तो इजी नहीं है कि आप ले कहीं उड़ जाओ बिकॉज इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट हाँ क्योंकि अब मैं 100 kg का बंदा लेके जा सकता हूँ तो 100 kg या कुछ और भी चीज़ें तो इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रही है अब जैसे किसी का वेट मतलब बाउंड्री लाइन पे होता है 105 तो से मना कर दो सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है ना कोई इमरजेंसी नहीं है क्योंकि लोगों को बहुत सारे वेट रिस्क भी आता है कई बार विंड कंडीशन भी ठीक नहीं होती तो हमें सब चीजें सिचुएशंस अवॉइड करनी है अगर आपको सेफ्टी से फ्लाई करना है जैसे वैसे तो पूरा साल कर सकते हैं बस हवा जिस दिन ज्यादा तेज है विंड लेकिन विंड में भी है तो फिर आप वो मैनेज कर लेते हो कि किस डायरेक्शन में उड़ना है या ये सब चीजें अगर स्ट्रॉन्ग विंड है तो हमें नहीं जाना है मतलब इसके पैरामीटर्स है कि आपको 6-7 माइल से आगे नहीं जाना है अच्छा जैसे विंड को नोट्स में नापा जाता है इंजन के थ्रस्ट को नोट्स में नापा जाता है विंड से सामने वाले विंड को इंजन थ्रस्ट तो कैलकुलेटेड है अच्छा। लेकिन सामने वाले विंड का गस्ट है वो कैलकुलेटेड नहीं है अच्छा तो वो 20 किलोमीटर स्पीड से भी आ रहा है और गस्ट का विंड में एक वेरिएशन होता है लाइक 7 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक का गस्ट भी हो सकता है अच्छा जो बीच का जो 33 किलोमीटर वो गस्ट है 4-5 ईयर्स भी कर सकते हैं और जैसे 4 ईयर्स का है और उसकी मदर साथ में करना चाहती है तो वो भी अलाउ करता है दोनों का वेट कैलकुलेटेड 80 किलो के अंदर होना चाहिए फ्यूचर में कुछ ऐसे फ्लाइट्स भी आप करने वाले हो जिसके अंदर 3 सीटर हो जैसे एक पायलट और दो रिसर्चिंग ऑन दैट ट्राई करते हैं लेकिन कुछ सीजी का इशू आता है फिजिक्स का थोड़ा इशू आता है हम लोगों को अच्छा हाँ मशीनें बन चुकी हैं लेकिन अभी वो कमर्शियल्स में हम लोगों ने यूज स्टार्ट नहीं किया किसी ने अच्छा आप टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह करते रहते हैं अच्छा फ्लाइट फॉर द डीआरडीओ एज अ टेस्ट पायलट अरे वाह तो डीआरडीओ के लिए आप इसी में ही करते हैं दूसरे दूसरी मशीन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे अच्छा तो वो हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे नए नए रिसर्च कर रहे होते हैं
ओके तो उन्हीं का कुछ पता नहीं कब कुछ अच्छा होगा मेरे ऐसा लग रहा है कि हम तो क्या ही कर रहे हैं जिंदगी में। तो यार यहाँ से निकलने का समय आ गया, अभी यहाँ से निकलते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। और भैया बहुत मज़ेदार है, उनसे बात करके भी अच्छा लगा। और अभी सूरज भी ढल रहा है लेकिन हमारी गाड़ी की हवा भी निकल गई, तो इसको भर के यहाँ से निकलते हैं। तो कुछ तो दिक्कत हो रही है, टायर कल चेक कराता हूँ, अलाइनमेंट कराता हूँ, थोड़ा सा इसको वॉशिंग का देखना पड़ेगा क्योंकि गंदी बहुत हो गई है। बाकी निकलते हैं, बहुत मज़ेदार जगह है, आना चाहिए यहाँ पर। शिट यार, तो मैंने ना अभी रियलाइज करा हमने वीडियो ऑन नहीं करा और इतना कुछ बोल गए हम लोग, तो अभी जस्ट वीडियो दोबारा ऑन किया है। तो मतलब मैं ये कह रही थी कि जो इनकी हॉस्पिटैलिटी थी, जो भैया थे जिन्होंने हमें ये ग्लाइडिंग करवाया साथ में, जिनके साथ हमने किया, वो काफ़ी अच्छे थे। तो उनके साथ ना बहुत ज़्यादा अपना फील हो रहा था, स्ट्रेंज। एक होता ना कि आप किसी के पास जा रहे हो तो आप ज़्यादा बात नहीं करते, तो वो ना ऐसे फील ही नहीं हुआ उनके साथ। बहुत ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट था, है ना, मतलब सब कुछ अच्छा था। आप सब एक बार ट्राई करो, हम दोनों आपको रिकमेंड करते हैं। डरो मत यार, डर के आगे जीते, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ आप सब ट्राई करो और आओ इस जगह, आओ एक्सप्लोर करो। और हाँ, यहाँ पे आप पार्टी और अपने रिजॉर्ट है, ये रिजॉर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। ये भैया का रिजॉर्ट भी, इनका अपना स्विमिंग पूल है, रूम्स हैं इनके 10-12 रूम बताए थे, 7-8 रूम है उनके। तो आप जैसे पार्टी करने के लिए आ सकते हो यहाँ पर, और कॉर्पोरेट वगैरह वगैरह जो भी है। और उन्होंने बोला विंटर्स में और भी मज़ा आता है, विंटर्स में जैसे ना लाइव शो वगैरह होते हैं, विंटर्स में और मज़ा आता है। तो जैसे सही लगे आप लोग करो, अच्छा है, है ना। चलो अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने 2500 रुपीस के करीब ऐसा पैकेज पिक किया था जिसके अंदर 6-7 किलोमीटर का राइड होता है और इतनी देर का होता है, 5-7-8 मिनट का ही था पूरा ट्रिप और जो फ्लाइट टाइम था। तो आप अपने पैकेज के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, आपको कौन सा वाला करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आज हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे आज जिम कॉर्बेट, लेकिन बारिशों के अंदर जिम कॉर्बेट या सफारी इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं और हम पहाड़ को अवॉइड कर रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ी एरिया है, नैनीताल में मोस्टली पहाड़ आता है वो प्लेन एरिया जिम कॉर्बेट वाला। हम इसलिए भी नहीं गए क्योंकि ना बारिश का मौसम था, हमें कोई भी वहाँ जानवर नहीं दिखता। हम दूसरी जगह पहाड़ियों में जाना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे अभी जैसे मौसम। हमें साइट सीइंग नहीं होती तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है ना कि हम इतनी दूर भी जाएं, फिर हमें हो भी ना, हम पैसे भी इन्वेस्ट कर दें, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए। तो वहाँ नहीं गए तो हमने सोचा यार ठीक है, अब इतना सोच ही रखा था कुछ करने के लिए, तो हमने एयर सफारी कर ली। इसको एयर सफारी के नाम से भी जाना जाता है, पैराग्लाइडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे सोना में सबसे पहले आज से 15-20 साल पहले पैरा सेलिंग हुआ करती थी, उसके अंदर जीप के पीछे ऐसा ही पूरा ग्लाइड को बांध दिया जाता था, फिर वो जैसे गोवा में बोट के पीछे होता है वैसे ही यहाँ पर होता था जीप के पीछे बांध के, आज से बहुत साल पहले। मतलब मैंने सुना था, उस टाइम मैंने गया भी नहीं था और उस टाइम ऐसा था भी नहीं कि ऐसी चीजें करनी है जिंदगी में। देखो गोवा के अपने मजे हैं, अगर देखा जाए गोवा के अपने मजे हैं, बट अगर आप अपनी सिटी में और जगह को एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको खुद ही मजा आ जाएगा। हमने गुड़गांव में, हमें पता नहीं था, हमने भी यूट्यूब पे देखा, एक्सप्लोर किया थोड़ा सा, तो फिर हमने सोचा चल ठीक है ट्राई करते हैं। तो हम आ गए इतनी दूर, अब हमें कभी भी लगेगा कि यार हमें कोई पार्टी करनी है, कुछ ओकेजन है, मतलब इंजॉय करना है पूरे फ्रेंड्स फैमिली के साथ, तो हम यहाँ आ सकते हैं। अच्छी जगह है, आप सब आओ इंजॉय करो, है ना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय, अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा कल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।